everyone, welcome to your favorite podcast channel Knowledge Up. As you know, learning English is just a fun. So let's begin. घमंड मुझे कभी छू ही नहीं सकता. Arrogance can never caress me. घमंड मुझे कभी छू नहीं सकता. Arrogance can never caress me. जूस को हल्के हल्के पियो. Sip the juice slowly. Sip the juice slowly. बातचीत से करीबी बढ़ती है. Conversation increases the proximity. बातचीत से करीबी बढ़ती है. Conversation increases the proximity. उसे नौकरी से निकाल दिया गया है. He has been fired from the job. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, He has been expelled from the job. सब्जी बेचने वाला आपको लूट रहा है. The vegetable seller is ripping you off. The vegetable seller is ripping you off. फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना. अगर जरा सा भी आपको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल में, ताकि इस पॉडकास्ट चैनल को मैं और भी बेहतर बना सकूं. तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं. सब्जी बेचने वाला आपको लूट रहा है. द वेजिटेबल सेलर इज रिपिंग यू ऑफ. तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो. वाट आर यू विस्परिंग इन हिज ईयर. वाट आर यू विस्परिंग इन हिज ईयर. हम उसकी हरकत पर नज़र रखेंगे. वी विल कीप अ विजिल ऑन हिज एक्टिविटी. वी विल कीप अ विजिल ऑन हिज एक्टिविटी. घाव से खून निकल रहा है. द ब्लड इज oozing from the wound. The blood is oozing from the wound. तुम खाली समय में क्या करते हो. What do you do in your leisure time? What do you do in your leisure time? तुम ये किताब हमेशा के लिए रख सकते हो. You can keep this book for keeps. या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, You can keep this book forever. कल रात मुझे बहुत गहरी नींद आई. आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट. आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट. मैं किसी के पीछे भागना पसंद नहीं करता. आई डोंट लाइक टू रन आफ्टर एनीवन. मैं किसी के पीछे भागना पसंद नहीं करता. आई डोंट लाइक टू रन आफ्टर एनीवन. उसने घाव पर मरहम लगाया. ही पुट ऑइंटमेंट ऑन द वुंड. ही पुट ऑइंटमेंट ऑन द वुंड. दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है. डाउरी सिस्टम इज अ मैलडिक्शन फॉर आर सोसाइटी. डाउरी सिस्टम इज अ मैलडिक्शन फॉर आर सोसाइटी. आतंकवादी हमले सुरक्षा एजेंसियों की वजह से होते हैं. या फिर आतंकवादी हमले सुरक्षा में खामियों की वजह से होते हैं. टेररिस्ट अटैक्स अकर ड्यू टू सिक्योरिटी लैप्स. टेररिस्ट अटैक्स अकर ड्यू टू सिक्योरिटी लैप्सेस. मैं 6 महीने बाद उसका चेहरा देख पाया. आई कुड सी हिज फेस आफ्टर अ लैप्स ऑफ 6 months. 6 महीने के बाद. आफ्टर लैप्स ऑफ 6 months. मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. आई विल लीव नो स्टोन अनटर्नड. मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. आई विल लीव नो स्टोन अनटर्नड. वो सिगरेट पीने का आदी है. ही हैज़ बीन एडिक्टेड टू स्मोकिंग. ही हैज़ बीन एडिक्टेड टू स्मोकिंग. इससे मेरा काम चल जाएगा. इट विल सर्व माई पर्पज. इट विल सर्व माई पर्पज. मैंने अपने बेटे को नहला दिया है. या फिर मैं अपने बेटे को नहला रहा हूँ. आई एम मेकिंग माई सन टेक ए बाथ. अगर ये कहा जाए कि मैंने अपने सन बेटे को नहला दिया है. आई हैव मेड माई सन टेक द बाथ. तो इस तरीके से आप इंग्लिश सीख रहे हैं. बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये इंग्लिश सिखाने का. चलिए आगे चलते हैं. तुम कब से यहाँ हो. सिंस वन हैव यू बीन हेयर. सिंस वन हैव यू बीन हेयर. यह मेरे काबू से बाहर है. दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल. घर जल रहा है. द हाउस इज ऑन फायर. घर जल रहा है. द हाउस इज ऑन फायर.
भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। गॉड्स ग्रेस इज ऑलवेज विद यू। गॉड्स ग्रेस इज ऑलवेज विद यू। दूसरों की नकल मत करो। डोंट कॉपी अदर्स। दूसरों की नकल मत करो। डोंट कॉपी अदर्स। पेंसिल से मत लिखो। डोंट राइट विद अ पेंसिल। डोंट राइट विद अ पेंसिल। डोंट राइट विद अ पेंसिल। आग जली रहने दो। कीप द फायर ऑन। आग जली रहने दो। कीप द फायर ऑन। हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स। वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स। हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स। खाना अच्छी तरह चबाओ। चीव द फूड वेल। चीव द फूड वेल। नाक साफ करो। नाक साफ करो यार। ब्लो योर नोज। ब्लो योर नोज। नाक साफ करो। ब्लो योर नोज। कोट के बटन बंद करो। बटन अप द कोट। कोट के बटन बंद करो। बटन अप द कोट। इस मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़ो। होल्ड दिस मोबाइल विद बोथ हैंड्स। इस मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़ो। होल्ड दिस मोबाइल विद बोथ हैंड्स। पूरा दिन मैं राम का इंतजार कर रहा था। ऑल द वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर द राम। पूरा दिन मैं राम का इंतजार कर रहा था। ऑल द वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर द राम। होल्ड दिस मोबाइल विद बोथ हैंड्स। मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। आई विल कम आफ्टर अ वाइल। आई विल कम आफ्टर अ वाइल। पूरा दिन मैं राम का इंतजार कर रहा था। ऑल द वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर द राम। मैं थोड़ी देर में आऊँगा। आई विल कम आफ्टर अ वाइल। लगता है वो तुम्हारा कोई है। लुक्स एज ही इज समवन टू यू। लगता है वो तुम्हारा कोई है। लुक्स एज ही इज समवन टू यू। लुक्स एज ही इज समवन टू यू। लगता है वो तुम्हारा कोई है। लगता है हमारे अध्यापक आज यहाँ नहीं है। लुक्स एज आवर टीचर इज नॉट हियर टुडे। लगता है हमारे अध्यापक आज यहाँ नहीं है। लुक्स एज आवर टीचर इज नॉट टुडे हियर। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आज। लुक्स एज यू आर नॉट वेल टुडे। लगता है लुक्स एज यू आर नॉट वेल टुडे। वो हमेशा की तरह मेरे पास आया। ही केम टू मी एज यूजुअल। एज यूजुअल ही केम टू मी। पापा ने हमें हमेशा की तरह उसे डांटा और वो घर से चला गया। एज यूजुअल डैड स्कॉल्डेड हिम एंड ही लेफ्ट होम। हमेशा की तरह एज यूजुअल फादर स्कॉल्डेड हिम एंड ही लेफ्ट होम। ये मकान 2000 में सरकार द्वारा अपने कब्जे में लिया गया था। दिस हाउस had been acquired by the government 2000. This house had been acquired by the government in 2000. Friends, आप इंग्लिश सीख रहे हैं। आप जो भी सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को आप दोहराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि इससे बेहतर तरीका इंग्लिश सीखने का हो ही नहीं सकता, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और अब समय है कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजेज का, कुछ हेल्थ से रिलेटेड फ्रेजेस का। तो चलिए शुरू कर देते हैं। टू फाइट ऑफ। फाइट ऑफ का मतलब होता है टू रिसिस्ट। दिस इज पर्टिकुलरली यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू इलनेस। अगर आप बीमार हैं एंड यू फाइट ऑफ, यू रिसिस्ट एन इलनेस। आई एम ट्राइंग टू फाइट ऑफ अ कोल्ड। फाइट ऑफ। आई एम ट्राइंग टू फाइट ऑफ अ कोल्ड। फाइट ऑफ टू रिसिस्ट एन इलनेस। रन ओवर। ये फ्रेजर रन ओवर, इसका मतलब है हिट बाय व्हीकल। ही वाज रन ओवर बाय कार। ही वाज रन ओवर बाय कार। कम डाउन विद, टू बिकम सिक। आई एम कम डाउन विद फ्लू। आई एम कम डाउन विद फीवर। मेनी पीपल हैव कम डाउन विद कोरोना वायरस। कम राउंड। कम राउंड, टू बिकम कॉन्शियस। शी हैज कम राउंड फ्रॉम द एनेस्थेटिक। कम राउंड, टू बिकम कॉन्शियस, होश में आना। Come round to become conscious. She has come round from anesthetic. Pass away, to die. The boss passed away last week. Pass away का मतलब होता है die, मर जाना। अगर इसका idiom देखें तो idiom होता है to kick the bucket. To kick the bucket मतलब मर जाना।
टू गिव अप द घोस्ट, इसका भी मतलब होता है मर जाना। टू थ्रो अप, टू वॉमिट, टू बी सिक, द किड इज गोइंग टू थ्रो अप हिज डिनर। थ्रो अप, टू बी सिक, थ्रो अप मीन्स टू बी सिक और वॉमिट। ब्रेकआउट, टू डेवलप स्किन स्कोर्स और इरिटेशन। ब्रेकआउट का मतलब होता है टू डेवलप स्किन स्कोर्स और इरिटेशन। हर फेस ब्रॉक आउट इन अ रैश, हिज फेस ब्रॉक आउट इन अ रैश। गेट ओवर, टू रिकवर फ्रॉम समथिंग। गेट ओवर का मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम समथिंग। व्हेन ही गेट्स ओवर हिज ब्रोकन आर्म ही विल गो बैक टू वर्क। एक बार फिर रिपीट करते हैं जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा था। टू फाइट ऑफ, फाइट ऑफ मतलब टू रिसिस्ट एन इलनेस। देन रन ओवर, टू हिट बाई व्हीकल। देन कम डाउन विद, टू बिकम सिक। कम राउंड, टू बिकम कॉन्शियस। पास अवे, टू डाई। थ्रो अप, टू बी सिक, वॉमिट। ब्रेक आउट, टू डेवलप स्किन स्कोर्स और इरिटेशन। टू गेट ओवर मीन्स रिकवर फ्रॉम समथिंग। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, इफ यू आर लिसनिंग मी, प्लीज डू गिव थम्स अप, सब्सक्राइब एंड लाइक, बिकॉज यू विल फाइंड द पॉडकास्ट ऑफ दिस काइंड नोवेयर एल्स। सो फ्रेंड्स, कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड फ्रेजेस देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। जैसे किक ऑफ, अगर कोई कहे किक ऑफ, किक ऑफ मैच, द आईपीएल किक्ड ऑफ। किक ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट अ मैच। वी आर रेडी फॉर द मैच टू किक ऑफ। कैच अप विद, गो फास्टर सो दैट यू रीच द पर्सन और व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू। कैच अप विद, किसी को पकड़ना, किसी के बराबरी में पहुंचना। ड्रॉप आउट, टू लीव ए कंपटीशन। ड्रॉप आउट का मतलब होता है ड्रॉप आउट हो जाना, स्कूल ड्रॉप आउट जैसे कहते हैं, कोई कंपटीशन छोड़ देना, किसी लीग से बाहर हो जाना। गोइंग फॉर, गोइंग फॉर का मतलब होता है टू इंटर कंपटीशन। गोइंग फॉर टू इंटर कंपटीशन, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना। ही इज प्लानिंग टू गो इन फॉर 100 meters रेस। वार्म अप, आप लोग वार्म अप करते हो ना। टू डू मूवमेंट्स टू गेट योर मसल्स रेडी फॉर द एक्सरसाइज। इफ यू डोंट वार्म अप बिफोर एक्सरसाइज यू रिस्क इंजरिंग योर सेल्फ। वर्क ऑफ, टू डू एक्सरसाइज टू लूज वेट और एक्स्ट्रा कैलरीज। आप लोग देखो वर्कआउट करते हैं, यानी जिम में वर्कआउट कहते हैं ना, मैं जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। वर्क ऑफ भी उसी तरीके से होता है कि आप कैलरी लूज करते हैं, आप अपना वेट कम करते हैं। बल्कअप, अगर कहें BULKUP, बल्कअप, टू मेक योर बॉडी बिगर हाईवे बाई गेनिंग मोर मसल्स। आप बहुत दुबले पतले हैं, आपको बल्कअप करने की ज़रूरत है। दिस सीजन ही हैज़ बल्कअप बाई 230 pounds और समथिंग लाइक दैट। चिकन आउट, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू frightened। चिकन आउट मतलब डर जाना, आप कुछ करने से डर रहे हैं, यू आर चिकन आउट। राहुल चिकन आउट ऑफ स्कूबा डाइविंग। एक बार फिर रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से। किक ऑफ, अगर कोई कहे किक ऑफ, किक ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ शुरू कर देना। कैच अप विद, किसी की बराबरी में पहुंचना, किसी को छूना या किसी के साथ साथ चलने की कोशिश करना और दौड़ के उसके साथ पहुंचना। ड्रॉप आउट, बीच में ही कोई चीज़ छोड़ देना। गोइंग फॉर, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना, कहीं भी पार्टिसिपेट करना। वार्म अप, एक्सरसाइज से पहले थोड़ी बहुत हल्की पुल्की एक्सरसाइज को वार्म अप कहता है, ताकि आप एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो आप खुद को इंजर ना कर सके। वर्क ऑफ, वेट लूज करना। बल्क अप, वेट गेन करना। चिकन आउट, डरना, फ्राइटन होना। तो दिस इज ऑल इन टूडेज एपिसोड। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में कुछ आपको मैंने फ्रेजेस बताई, आपको कुछ सेंटेंसेस बताएं ताकि आप अच्छी इंग्लिश सीख सकें। कुल मिला के मेरा मकसद यही है कि मैं आपको सिखाते सिखाते बहुत कुछ सीखता हूं, और आप इस पॉडकास्ट को लिसन करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, प्लीज़ डू गिव शेयर थम्स अप एंड लाइक, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इफ़ यू डोंट लाइक, यू कैन गिव थम्स डाउन, एंड इफ़ यू लाइक, यू कैन गिव थम्स अप, बट प्लीज़ do comment or like and listen to this podcast. This podcast is specially for the guys like me who belong to, you know, rural areas or villages who don't know how to speak English.
So this podcast is for you. Bye bye. Have a nice day and subscribe this channel.